गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लास्ट टॉपिक. बिफोर दैट वी विल रिवाइज अबाउट द लास्ट टॉपिक. लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड एज वी नो दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क एट द रूरल एरिया एंड एट द अर्बन एरिया रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूलिंग एजुकेशन and other arrangement of medical facilities, constructions of roads, okay, sewage system, managing sewage system, providing clean drinking water, etc. So at rural level, when we are talking about rural at local self government, at rural level it is known as panchayati raj, or we can say local self government at rural level. Okay, basically it is a पंचायती राज सिस्टम इज अ थ्री टायर रूरल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम. थ्री टायर या थ्री लेवल कौन कौन से हैं? एट विलेज लेवल ग्राम पंचायत इज देयर, ठीक है, एंड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज नोन एज सरपंच. देन एट ब्लॉक लेवल पंचायत समिति इज देयर एंड हेड ऑफ द पंचायत समिति इज नोन एज प्रधान. एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद इज देयर एंड हेड ऑफ द जिला परिषद इज नोन एज जिला प्रमुख. ओके, this is the three tier structure of panchayati raj system, or we can say local self government at rural level. Now these things only we will see in detail. Now first of all, as we are talking about panchayat, gram panchayat, we will see in detail some things related to the gram panchayat. First one is ward sabha. वार्ड सभा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है. वार्ड सभा जो है ये सबसे छोटी यूनिट है किसकी? ग्राम पंचायत की. और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रूरल एरिया जो है, कंप्लीट रूरल एरिया है, दैट इज डिवाइडेड इनटू मैनी वार्ड्स. वो अलग अलग बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड है. अब इन जो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड है रूरल एरिया, वहाँ से क्या होता है, हर वार्ड से हम किसको इलेक्ट करते हैं? पंच को इलेक्ट करते हैं, ठीक है. पंच को इलेक्टेड कर लिया हमने. अब पंच को इलेक्ट कौन करेगा? ऑल अडल्ट मेन एंड विमेन, ठीक है. ऑल अडल्ट मेन एंड विमेन का मतलब है जो उस जो जिन्होंने 18 इयर्स ऑफ एज अटेन कर ली है, मीन्स दे आर हैविंग वोटिंग राइट. वो सभी लोग जो है उस एरिया के, वो किसको इलेक्ट करेंगे? पंच को, ठीक है. अब जो मीटिंग होगी सारे वोटर्स की वार्ड में, उसको हम बोल देंगे क्या? वार्ड सभा, ठीक है. भाई इन्होंने क्या कर लिया? पंच को इलेक्ट कर लिया. पंच के साथ और सारे जो मेंबर्स हैं उन सब की मीटिंग होगी वोटर्स की, ठीक है. उसको हम क्या बोल देंगे? वार्ड सभा. और हेड कौन होगा? अगेन द वार्ड पंच विल बी द हेड, जिसको भी लोगों ने इलेक्ट किया है, ओके. अब फंक्शंस क्या होंगे? इनका काम है विलेज में व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स इन विलेज, दे विल मेक अ प्रपोजल दैट व्हाट आर द वेरियस, दे विल डिस्कस द इश्यूज इन द विलेज. जैसे कि कोई स्कूल की ज़रूरत है, छोटा सा डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ों की, रोड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, नालियाँ प्रॉपर नहीं है गाँव में. तो इन सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, प्रपोजल तैयार करके किसके पास भेजा जाता है? ग्राम सभा के पास, ठीक है. देन आफ्टर दैट द थिंग दैट सेम थिंग विल बी प्रोसीडेड टू द ग्राम पंचायत, उस पर फिर एक्शन लिया जाता है, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं किसकी? ग्राम सभा की. अब ग्राम सभा जो है इट कंसिस्ट ऑफ अडल्ट मैन एंड वुमेन, ठीक है. वो सभी लोग मेंबर्स होंगे ग्राम सभा के जिनकी उम्र 18 ईयर से अबव है, मींस दे हैव अटेन द वोटिंग राइट और लिविंग इन ग्राम पंचायत, ठीक है. इसके लिए अब आपको समझना पड़ेगा लिविंग इन ग्राम पंचायत का मतलब क्या है. देखो ग्राम पंचायत जो होती है वो या तो उसमें सिर्फ या तो एक विलेज होता है, ठीक है. काफ़ी बड़ा अगर कोई विलेज है तो उसकी ग्राम पंचायत हो जाती है. कई बार क्या होता है, कई छोटे छोटे विलेजेस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है और इसमें एक ग्राम पंचायत. नाउ इट इज क्लियर. दो कंडीशन है, या तो बड़ा विलेज होना चाहिए उसकी ग्राम पंचायत होती है, या फिर बहुत सारे विलेजेस को इंक्लूड करके ग्राम पंचायत बनाया जाता है. इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि
all the members, adult members living in the Gram Panchayat, they will be the member of Gram Sabha. दोनों केसेस हो सकते हैं, सिंगल विलेज भी हो सकता है और few villagers are or villages are also included in this. Then after that meetings of Gram Sabha used to take place in 3 months. ठीक है, three and every 3 months meetings of the Gram Sabha takes place, means in year 4 meetings are taking place of Gram Sabha. In that various issues of Gram Sabha are discussed. Now we will talk about the Gram Panchayat. Under Gram Panchayat, as we have discussed, either one big village will be considered or few small villages will be considered. Head of the Gram Panchayat will be Sarpanch, and other panchs are also members of the Gram Panchayat. ठीक है, जो हमने पंच यहाँ पर इलेक्ट किए थे वार्ड सभा में, दीज पीपल विल ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत. ठीक, अब सरपंच जो है वो इलेक्ट कैसे होगा? तो सरपंच विल बी इलेक्टेड बाय द अडल्ट वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. सरपंच जो है, जो ग्राम पंचायत में जो भी लोग हैं एडल्ट वोटर्स हैं वो इलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, और जो ये सारे पंच मेंबर्स हैं इनमें से ही किसी एक को बना दिया जाएगा क्या उप सरपंच, वो भी इलेक्ट करके. एक और है, होता है ग्राम सेवक, दैट विल हेल्प इन द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत, क्योंकि एक्शन में लाना है ना सारी चीज़ों को, तो हेल्प करने के लिए वहाँ पर होगा ग्राम सेवक. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, वेरियस अदर फंक्शंस आर ऑल्सो परफॉर्म अदर देन द बेसिक फैसिलिटीज. जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या काउंट हो जाएगा? अगेन द सेम थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ स्कूल्स, ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स. ठीक है, ऑल सच थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर द बेसिक फैसिलिटीज. अदर देन बेसिक फैसिलिटीज, द फंक्शंस परफॉर्म बाई ग्राम सभा सॉरी ग्राम पंचायत आर मेडिकल फैसिलिटीज, देन स्कूल्स, अदर देन अरेंजमेंट ऑफ ट्री प्लांटेशन, फेयर एंड फेस्टिवल अरेंजमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स टेकिंग प्लेस इन द विलेज, एंड नेक्स्ट थिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउसेज. दीज फंक्शंस आर ऑल्सो परफॉर्म बाई द ग्राम पंचायत. नेक्स्ट थिंग इज ग्राम सेक्रेटरेट, एंड देर इज अ सेक्रेटरेट फॉर द पंचायत समिति स्पेशली. दिस वर्क्स फॉर द पंचायत समिति एंड मैनी मोर पीपल आर included in this, like the agriculture inspector, patwari, gram sevak, ANM, and these people have to present at the headquarters which are at district level. ठीक है, और इन लोगों को हर 5th day, 12th day, 20th day and 27th day of the month को headquarter पर present होना होता है. वहाँ पर जिला परिषद level पर जो है वहाँ पर इन issues से related report present करनी होती है, discuss करना होता है. ओके, नाउ we will discuss about the panchayat samiti, that is at block level. इसके लिए आपको मैं example देती हूँ. suppose इसको समझने के लिए, panchayat samiti को समझने के लिए, suppose राजस्थान है. राजस्थान में कितने districts हैं? 33 districts हैं. और 33 districts में जो हर district है उसको हर district को हमने क्या कर रखा है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, और हर डेवलपमेंट ब्लॉक में क्या है? पंचायत समिति सेटअप किया है हमने. जो प्रेसिडेंट होगा पंचायत समिति का, दैट विल बी नोन एज प्रधान. ठीक है, इसके अलावा पंचायत समिति को हमने बहुत अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया हुआ है, और पंचायत किया है और वहीं से हमने चूज किए हुए हैं उप प्रधान, प्रधान. ठीक है, तो ये सारे लोग भी यहाँ पर मेंबर्स होंगे, जैसे MLA, सरपंच, उप प्रधान, प्रधान. दीज पीपल विल ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति. अगेन द वेरियस थिंग्स दे यूज टू द समिति मेंबर्स, दिस समिति मेंबर्स यूज टू मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दे यूज टू डिस्कस अबाउट द वेरियस इश्यूज, लाइक इनकी ड्यूटी होती है क्या क्या,
प्रॉब्लम्स देखना, उसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन का अरेंजमेंट देखना, मेकिंग अवेलेबल पेस्टिसाइड्स एंड सीड्स टू द फार्मर्स बेस्ट क्वालिटी के अवेलेबल करवाना, एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड अदर ऑफिशियल्स हेल्प्स इन कैरिंग आउट द फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति. नेक्स्ट थिंग, अब हमने इन दोनों की बातें कर ली, पंचायत समिति की, ग्राम पंचायत की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द जिला परिषद. अब जिला परिषद की बात करें तो दिस इज द थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ द थ्री टायर्स. ये थ्री टायर्स थे, थ्री लेवल्स थे. तो अब जिला परिषद की बात करें, ये हाईएस्ट है और थर्ड है लेवल किसका, पंचायती राज सिस्टम का. नाउ कौन इसके मेंबर्स होंगे? ऑल वोटर्स ऑफ वार्ड इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. जो इसके मेंबर्स होने के लिए सारे के सारे जो वार्ड के, सारे के सारे जो वोटर्स हैं वार्ड के, वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे जो कि मेंबर्स होगा किसका, जिला परिषद का. कहाँ से इलेक्ट करेंगे? अपने अपने वार्ड से इलेक्ट करेंगे. देन अदर मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रधान. ऑल दीज पीपल विल ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद. एंड इलेक्टेड मेंबर्स, जो हमने वार्ड और सारे वोटर्स ने वार्ड से इलेक्ट किए थे एक एक रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या करेंगे? एक को इन्हीं में से क्या बना दिया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद, दैट विल बी नोइंग एज जिला प्रमुख. और एक को बना दिया जाएगा उप जिला प्रमुख. दीज पीपल विल बी इलेक्टेड. एंड वॉट काइंड ऑफ वी कैन से वर्क विल बी डन? तो जिला परिषद जो है एक लिंक स्टैब्लिश करेगा किसके बीच में? स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और जो पंचायत हैं उनके बीच में. बिकॉज किसी का काम होगा फंड्स वगैरह अवेलेबल करवाना, ठीक है, और अगर स्टेट से कोई और मदद चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, तो जिला प्रमुख क्या किसका काम करेगा? एक लिंक का काम करेगा पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट के बीच. ओके, इसका काम क्या होगा? चेक करना. किसका काम? पंचायत समिति का. जिला प्रमुख का काम होगा टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ पंचायत समिति. एंड पंचायत समिति का काम होगा ग्राम पंचायत का वर्क सुपरवाइज करना, चेक करना. एंड दिस वी कैन से दे कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट द वर्क. ओके, सो वन थिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस द टॉपिक यू हैव स्टडीड दैट द रूरल पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव. लाइक वार्ड मेंबर्स को भी वो खुद, वार्ड पंच को भी वो खुद इलेक्ट कर रहे हैं, रूरल एरियाज के पीपल, सरपंच को भी, मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति को भी, ठीक है, एंड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद भी. अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? सो दैट दीज पीपल कैन टेक पार्ट प्रॉपरली इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दीज पीपल कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू देयर एरिया. एंड ड्यू टू बाई दिस द प्रॉपर वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन टेक प्लेस. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पंचायती राज सिस्टम. सो दिस इज NTSC टॉपिक्स. दिस इज नॉट इन सिलेबस ऑफ क्लास 8 NCERT. ओके, दिस इज दिस टॉपिक इज इन द NTSC सिलेबस. सो वी हैव डन. द नेक्स्ट थिंग इज दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Revise the topic properly, make notes. Thank you.